कर दिखाएं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। अक्षर की पहचान, अक्षर असली चीज है, इसमें है संसार। hey! चीजों में से झांकता अक्षर का आकार। hey! सब चीजों में छिपा है अक्षर, आओ करे पहचान। शुरुआत से अंत तक सबका एक निशान। hey! इसमें अक्षर उसमें अक्षर, अपने हैं सब साथी अक्षर। आओ खेलें खेल हमारा, नाम है जिसका अक्षर मेला। जय साक्षरता। अक्षरों के इस मेले में, साक्षरता के इस उत्सव में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा एक बात सोचिए, अगर अक्षर नहीं होते तो शब्द नहीं होते, अगर शब्द नहीं होते तो भाषा नहीं होती, और अगर भाषा नहीं होती तो जीवन कितना बोझ होता ना। लेकिन मैं आप सबसे ये क्यों कह रही हूं, क्योंकि हमारे आज आए हुए साथियों ने अक्षरों के बगैर भी जीना सीखा था, लेकिन फिर हिम्मत करके अक्षरों से दोस्ती की थी, और इन हिम्मत वालों का मैं बहुत प्यार से आज के अक्षर मेले में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारी तीन टीमें आई हैं, तीनों दिल्ली से हैं। मैं जाके पहले DSLP की टीम से आपको मिलवाऊंगी। ये है दिल्ली स्कूल लिटरेसी प्रोजेक्ट की टीम, और आप हैं इनकी स्वयंसेवक। आपका नाम? रेखा प्रसाद। और ये हैं निर्मला सिवान, और आप हैं? रामरति मुंदिया। अच्छा, और आप हैं? सन्नी। सन्नी, और आप? अमरचंद। अच्छा भाई, इन पर बहुत बहुत स्वागत कीजिएगा। और ये है हमारी उत्तरी पूर्वी दिल्ली की टीम, और आप इनके स्वयंसेवक हैं। आपका नाम है? दीपचंद आजाद। अच्छा मुझे बताइए आजाद जी, कि आपको प्रेरणा कैसे मिली कि आप इन लोगों को पढ़ाएं? मैं कुछ वैसे भी पढ़ा लिखा था, और ये देश के लिए बड़े हितकारी की बात थी कि लोगों को पढ़ाया जाए, जो हमारे भाई बंद जो नहीं पढ़े लिखे हैं, तो उससे काफी फायदा है उनके मोहल्ले के हिसाब से भी। और क्या नाम की, आपको क्या लगता है कि इनको पढ़ने लिखने से मोहल्ले में क्या बेहतर बातें होती हैं? ये मोहल्ले में सफाई का भी है, घर की सफाई है, मोहल्ले में किसी के साथ बातचीत का है, अपने घर के हिसाब किताब के हैं, इस तरह के। बहुत अच्छी बात है। और इनके साथ हैं राम आशीष, और आप हैं शिव प्रसाद चौरसिया, और आप हैं नसरीन, और आप हैं जय किशन। भाई जोरदार तालियां बजा दीजिए। और ये है हमारी पश्चिमी दिल्ली की टीम, और आप इनकी स्वयंसेवक हैं। आपका नाम? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी, हाँ जी। आपने पढ़ाना क्यों शुरू किया? इसीलिए कि भाई हर तरीके की महिला मेरे पास आती थी, मैं उनको देखती थी तो मेरा मन बहुत दुखता था, मुझे इतनी वो हो जाती थी। ऐसी क्या बात है देखी आपने जिसकी वजह से आपको दुख होता था? दुख इसीलिए कि भाई ये महिला पढ़ नहीं सकती हैं, मैं उनको इंच टेप दिखाऊं तो गिनतियां अच्छा। नहीं पढ़ पाए, और हर तरीके का उनका नाम नाप तोल नहीं लिख पाए। और आपको खुशी होती है जब ये लड़कियां वापस आके कहती हैं हमारी जिंदगी सफल हो गई क्योंकि आपने पढ़ाया? बहुत खुशी। बड़ी अच्छी बात है। और इनके साथ हैं शारदा, और आप हैं मोहम्मद नसीर, और आप हैं कल्पेश, और आप हैं मीना। भाई स्वागत कर दीजिए इनका। चलिए भाई, तीनों टीमों से मुलाकात हो गई, अब खेलेंगे अपना पहला खेल आज के अक्षर मेला का। हमें क्या करना है कि कभी कभी क्या होता है, भीड़ में चीजें खो जाती हैं, और जब चीजें खो जाती हैं उन्हें ढूंढ के निकालना पड़ता है। आज खोए हैं शब्द, और वो भी अक्षरों और शब्दों की भीड़ में, और आपको ये शब्द ढूंढ के निकालने हैं, क्योंकि भाई आपने अक्षरों से दोस्ती की है और दोस्तों को ढूंढ निकालना आपका फर्ज है। आपको क्या करना है, जो हमने शब्द कोश जैसा बनाया है उसमें से शब्द ढूंढ के निकालने हैं। एक जना शब्दों को पहचानेगा और दूसरा जना शब्दों को वहां पर बना के लिखाएगा, जो हमने आपको वहां पर अक्षर दिए हुए हैं। पहले मैं जाऊंगी DSLP की टीम के पास, और यहां से लूंगी दो जने जो आके खेलेंगे ये पहला खेल। आप मुझे बताइए रेखा जी कि कौन आएगा? अमरचंद। अमरचंद पहचानेगा, और सन्नी लिखेगा। सन्नी लिखेगा। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी कान साफ करते हैं। क्या करते हैं? कान साफ, जो कान में बह जाते हैं तो उन्हें अच्छा। सही करते हैं। लेकिन आपका मन नहीं था कि आप ऐसा काम करें, आप क्या बनना चाहते हैं? क्या? अध्यापक।
अध्यापक बनूंगा? अरे शाबाश, अध्यापक बनेंगे, शाबाश। चलो अब इधर एक जाली आएगी, उसमें शब्द होंगे, हाँ, और आपका है वाहन का शब्दकोश, और आपका वक्त शुरू होता है अब। बस। बस। गाड़ी। गाड़ी। साइकिल। साइकिल, बिल्कुल सही। एक और है, एक और है, देखो देखो क्या हो सकता है, उसको घोड़े के साथ चलाते हैं। रेड़ा? नहीं नहीं नहीं, सोचो सोचो, घोड़े के साथ क्या वाहन चलता टांगा। है? हाँ, टांगा, बिल्कुल सही। अब आप जाके वापस बैठ जाओ, तुम्हारे पास वक्त है सनी, तुम लिखते जाओ। बस बोला, गाड़ी बोली, और उन्होंने टांगा बोला, और साइकिल भी बोली। चलो तुम्हारे पास है अभी टाइम, टांगा, चलो चलो, और साइकिल, सारे बोल दिए, चलो जल्दी करो, जल्दी करो, सिर्फ 3 सेकंड बचे तुम्हारे पास, जल्दी लिखो। गलिया, तुम्हारा समय खत्म हो गया। चलो इतना मैं दे दूंगी इनको, भाई सारे सही कर दिए इन्होंने। अच्छा, बस है, गाड़ी है, टांगा है, साइकिल है, सारे सही हो गए इनके। अब हम जाएंगे उत्तरी पूर्वी दिल्ली की टीम के पास, और आजाद जी आप हमें बताइए कि आपकी टीम से कौन पहचानेगा, कौन लिखेगा? पहचानने के लिए रामाशीष, रामाशीष पहचानेगा, और लिखने के लिए शिवप्रसाद, और शिवप्रसाद चौरसिया जी आप लिखेंगे। ठीक है, आप जाइए और उसको खोल दीजिए और खड़े जाइए, आप और मुझे बताइए कि आपने इतनी अपनी जिंदगी इतनी सफर करने के बाद फिर पढ़ना लिखना क्यों शुरू किया? जी मुझे हिसाब करने में दिक्कतें आती थी। हिसाब करने में दिक्कत आती थी? आप क्या काम करते हैं? क्योंकि मैं बिजनेस करता हूँ कबाड़ी का, प्लास्टिक वेस्ट, तो इसलिए जो है सो हिसाब जोड़ना मैंने सीखा इस वजह से। आपको लगता है आपका बिजनेस ज्यादा अच्छा कर रहा है क्योंकि आप अब हिसाब कर सकते हैं? हाँ जी, हिसाब अब जितने का भी होगा मैं कर सकता हूँ। अच्छा, चलिए अब आपको जो जाली दिखेगी, आपको कपड़े पहचानने हैं, और ये है आपकी जाली, और आपका समय शुरू होता है अब। धोती। धोती। साड़ी। साड़ी। कमीज। कमीज। लहंगा। लहंगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, चारों पहचान लिए। अभी बहुत समय है आपके पास, आप करिए, आप जाके बैठ जाइए, इनके पास बहुत समय है, आराम से कर सकते हैं। चलिए उसको छोड़िए, आगे चलिए आप, चलिए चलिए चलिए। हाँ, धोती, कमीज, साड़ी, आप एक एक करके कर सकते हैं, इसलिए हमने लाइनें दी हुई आपकी सहूलियत के लिए। कमीज और साड़ी, चलिए जल्दी कीजिए, साड़ी, साड़ी और लहंगा, लगा दो मात्रा, चलो 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 चलो, ओ चलो चलो, हो गया हो गया हो गया। छोटी छोटी मात्राएं रह गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम उतना दे देंगे इनको। बिल्कुल सही, चार वहां पहचाने, चार यहाँ लिखे, बहुत अच्छे। और अब हम जाएंगे अपनी पश्चिमी दिल्ली की टीम के पास। लक्ष्मी देवी जी, आप मुझे बताइए कौन आएगा? शारदा जी पहचानेगी और कल्पेश लिखेगी। ठीक है कल्पेश, आप जाओ वहाँ पर, किटकी खोलो और तैयार हो जाओ, शारदा आप मेरे साथ आओ। और मुझे बताओ, जब आपने पढ़ना लिखना शुरू किया तो आपके माँ बाप ने कोई परेशानी नहीं? उन्होंने ये बोला है कि पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है अभी। फिर मैं दीदी के पास जाती थी, लक्ष्मी दीदी के पास सिलाई सीखने, तो फिर दीदी वहाँ सिखाती थी, मैंने बोला जब दीदी सिखाती है तो मैं क्यों ना यहीं पढ़ लूँ। तो उन्होंने ये नहीं कहा आपके माँ बाप ने, अब तुम बड़ी हो गई शादी कर लो? कहा था, मैंने बोला कि अगर आप शादी करोगे, अगर मेरी 18 वर्ष से नीचे है, तो मैं आप लोगों को पकड़वा दूंगी। आओ इधर आओ, और देखो तुम्हारी जाली होगी मिठाइयों की। चलिए भाई आपका वक्त शुरू होता है अब। गुलाब जामुन। पेड़ा। पेड़ा। बर्फी। बर्फी। पेठा। पेठा। चमचम। चमचम, बड़े अच्छे, चारों कर लिए। अब तुम जाओ बैठो शारदा, मैं जाके कल्पेश को खिलाऊं।
चलो पेड़ा, बर्फी, बर्फी, पेड़ा हो गया, पेठा, पेठा, चमचम, चमचम, आ सकते हैं आप लोग? हाँ आओ, चलो, नहीं फिर कल्पेश तुम हट जाओ, एक जना कर सकता है, तुम हट जाओ, ठीक है? चमचम भी बोला उन्होंने, पेठा भी बोला, चलो चलो जल्दी मीना, और पेठा जल्दी, बस 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 बस, पेड़ा है ठीक, बर्फी है सही, बर्फी सही है, दे दे इनको, ठीक है, और चमचम सही है। अब हम क्या नहीं दे सकते इनको, इस मिठाई में से कौन सी मिठाई नहीं दे सकते? पेठा हम नहीं देख सकते क्योंकि ये तीन सही हैं, लेकिन पेठा लिखने का समय इनके पास नहीं था। इनके लिए भी वही जोरदार तालियां जाएं। अभी हमारा पहला खेल खत्म हो गया जो था खोजबीन, ठीक है? अब देखते हैं कि इस पहले खेल के बाद हिसाब किताब क्या है। चलिए DSLP के कितने नंबर? 80 नंबर। उत्तरी पूर्वी जिला के कितने नंबर? 80 नंबर। और पश्चिमी जिला के कितने नंबर? बहुत पास पास के नंबर हैं। और ये हो गया हमारा हिसाब किताब। अब जब हिसाब की बात हो रही है तो फिर हिसाब का एक खेल भी खेल लेते हैं। अब जो खेल हम खेलेंगे उसका नाम है बही खाता। पहले हम खेलेंगे पश्चिमी दिल्ली की टीम के साथ, ठीक है? और आपको फिर से पहले की तरह मुझे बताना होगा कि एक जना आएगा जो उधर जाके पहेलियों को बुझेगा। कौन जाएगा? मीना। जो गणित में थोड़ा मजबूत हो। मीना। मीना 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 मीना, चलो आओ मीना, घर आओ। चलिए मीना आप शुरू हो जाइए, आपका वक्त शुरू हो गया अब। 18 जमा 17 बने 35, 98 घटा 14 बने 113, 12, 13 गुणा 3 बने 39, 56 भाग 7 बने 8, 8 नीचे। चलो चलो एक और रहता है आपका, 13 गुणा 3 बने 39, 39। चलो इनके चारों सही, बिल्कुल। चलिए आप मुझे बताइए आजादी, आपकी टीम से कौन जाएगा? हमारी टीम से जयकिशन जी जाएं। आप आइए जयकिशन जी। चलिए ध्यान से और शुरू हो जाइए। पहला है आपका 38 घटा 16 बने, दूसरा है आपका 14 जमा 19 बने। चलिए आप लोग बोल सकते हैं यहाँ से, मदद कीजिए। 33, 43, 4 को हटा के 3 लगाओ, 33। और आपका तीसरा है 21 गुणा 2 बने, ऊपर 4 को हटाओ, 33। आप वापस आ जाओ उनको खत्म, आप वापस आ जाओ जयकिशन। और आपका चौथा है 64 भाग 4, चलिए चलिए। अब देखते हैं यहाँ पर, आप इधर आओ, यहाँ पर आओ, अब देखते हैं सारे सही है इनके। पहले वाले का जवाब क्या है? 22 सही है। दूसरे वाले का जवाब क्या है? 33 सही है। हाँ सही है। और तीसरे वाले का क्या है जवाब? 16 भी सही है। और चौथे वाले का क्या है? 42, बिल्कुल सही है। आपके चारों सही हुए। अब हम तीसरी टीम के पास जाते हैं और यहाँ पर पूछते हैं रेखा प्रसाद से कि इनकी टीम से कौन आएगा। निर्मला। चलिए आपका पहला सवाल है 27 जमा 5 बने 73 घटा 6 बने 73 घटा 6। चलो लड़कों तीसरा सवाल है 6 गुणा 9 बने 6 गुणा 9
और चौथा है 36। नीचे 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 54। नीचे नीचे जाओ, अब जा सकते जल्दी जाओ। 6 आप वापस आइए। 4 3 2 1 बस बस समय खत्म हो गया, आप आइए आप आइए, आप इधर ठहरिए। अब देखते हैं क्या सही है इनका। 27 + 5 बने 32 सही है। 73 + 6 बने कितने 67, ये गलत है इनका। और 6 × 9 बने 54, ये भी गलत है इनका। और 48 / 12 ये गलत है, क्योंकि होना चाहिए 4। ठीक है, आपके सिर्फ एक सही मिले। अब हमारे बही खाते का खेल खत्म हो गया। अब देखते हैं किसके क्या क्या अंक मिले, क्योंकि ये हमने इनके बही खाते में लिख दिया है। BSLP के हैं 90 पॉइंट, उत्तरी पूर्वी जिला के हैं 120 अंक, और पश्चिमी जिला के हैं 110 पॉइंट। कहीं समय का एक तारा अक्षर अक्षर दीप जले, फैले शिक्षा का उजियारा, कहीं समय का एक तारा। तन नन ना, 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 तन नन ना। पढ़ लिख लिख पढ़ बन होशियार, समझ बढ़े तो पढ़े विचार। बड़ा ज्ञान से ना धन दूजा, करती दुनिया ज्ञान की पूजा। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। ये कहीं समय का एक तारा, अक्षर अक्षर दीप जले, फैले शिक्षा का उजियारा, कहीं समय का एक तारा। पढ़ने लिखने का तो मजा ही कुछ और है, पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन में खुशियां फैलाएं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। आप सबका अक्षर मेला में फिर से स्वागत है। मैंने वायदा किया था मैं वापस आऊंगी, और फिर ऐसा मेला छोड़ के कौन कितनी देर जा सकता है। अब जो खेल हम खेलेंगे उसका नाम है देखी सुनी। हम आपको कुछ दिखाएंगे, हम आपको कुछ सुनाएंगे, और फिर आपकी पहचान पे लेंगे इम्तिहान। तो आप तैयार हैं श्रीमान? सबसे पहला सवाल है आपके लिए, ठीक है, आपकी टीम के लिए। अब मैं आपको बताती हूं कि आपका प्रश्न है, हम आपको एक चित्र दिखाएंगे, ये इंडिया गेट है। इस इमारत के नीचे हमेशा जलने वाली ज्योति, उसको क्या कहते हैं? अमर ज्योति। अमर ज्योति कहते हैं। अमर ज्योति कुछ और भी कहते हैं? अमर ज्योति। अमर ज्योति कहते हैं। चलिए मैं इनको इतना दे दूंगी, अमर जवान ज्योति होती है, लेकिन अमर ज्योति चलेगा। सही है बिल्कुल। चलिए अब आप लोगों के लिए सवाल ये है कि आप एक छोटा सा गाना सुनिए, सुनने के बाद मुझे बताइए कि ये अवधी बोली में गाया गया गाना किस अभिनेता ने गाया है। भीर कैन चलो लकड़ी काटाई, फत्ते कैन चलो लकड़ी काटाई, हम का चलो हमाओ लकड़ी काटाई। अमिताभ बच्चन। बिल्कुल सही, अमिताभ बच्चन। आपसे सवाल ये है कि दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने वाले इस खिलाड़ी को आप देखकर पहचानिए। कपिल देव। कपिल देव, बिल्कुल। चलिए आप मुझे बताइए कि संविधान के अनुसार एक सरकार का कार्यकाल कितने साल का होना चाहिए? 5 वर्ष। 5 साल, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा तुमने। अब आपकी टीम मुझे बताएं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने लगाया था? सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल सही, सुभाष चंद्र बोस। और आपकी टीम के लिए सवाल है कि इस ऐतिहासिक इमारत को पहचानिए, ये दिल्ली के चिड़ियाघर के पास है। पुराना किला। बिल्कुल सही, पुराना किला। ये तो बहुत बढ़िया हो गया भाई, हमारी तीनों टीमों ने एक भी जवाब नहीं चूका अपना। अब देखते हैं कि इनके अंक कितने हुए, हिसाब क्या है इस खेल के बाद। और अंक है DSLP के 110 नंबर, उत्तरी पूर्वी जिला के 140 नंबर,
और पश्चिमी जिला के 130 नंबर। अच्छा, अब हम जो खेल खेलेंगे उसका नाम है 12 खड़ी। क्या है कि शब्दों के बीच हमने शब्द छुपा रखे हैं, हमने क्या शब्दों ने खुद छुपा रखे हैं। इन शब्दों के अक्षरों से, उन अक्षरों से आपको और शब्द बनाने हैं। शब्दों को, अक्षरों को जोड़ के, मोड़ के, तोड़ के आपको अपने अक्षर बनाने हैं। जितने आप अक्षर बनाएंगे, जितने आप शब्द अक्षर इस्तेमाल करके बनाएंगे, उतने आपको नंबर मिलेंगे। पहले आपकी टीम में से एक जना आएगा जो पहले खेल नहीं खेल चुका है। किसने बनाया? रामरतिया जी, आप आएंगी, आप खेलेंगी 12 खड़ी? हाँ, चलिए आप आइए। आपका जो शब्द है अनुसार, और आपका समय शुरू होता है अब। इसके ऊपर लिखिए, चलो। हाँ, अनु, अनु, रस। आप वापस आ जाइए। अनुसान, आर, आर, सर, सर। बड़ा बड़ा लिखना। अच्छा, चलो जल्दी जल्दी लिखो। नूर, नूर, आस, आस, रस, रस, सुन, सनी बोलो, सुन, सुन, अंग, अंग, बस बस बस, आपका समय खत्म हो गया। लाइए मुझे पेन दीजिए। अनु सही है, रस सही है, अर, अर नहीं होता, सर होता है, ये तो कुछ नहीं होता, ये है अस, अस तो कुछ नहीं होता, क्या होता है अस? क्या तुम आस लिख रहे थे? हाँ, चलिए हम एक मात्रा के लिए इनके नंबर नहीं काटेंगे, इसको हम दे देंगे इनको, क्योंकि ये आस लिख रहे थे, उन्होंने कहा था वहां से, ठीक है। और ये हो गया असार। असार कैसे हो सकता है? असर होगा। चलिए इसका, इसकी मात्रा हम यहाँ को दे देते हैं लोन पे, ठीक है। चलिए इनके 5 सही हो गए, तो इनके 50 नंबर हो गए। अब आप इसको बता दीजिए, मुझे जाके बैठ जाइएगा। चलिए अब इस टीम से देखते हैं कौन आएगा 12 खड़ी खेलने। कौन आएगा जी? जय किशन। जय किशन, आप आएंगे? चलिए आप ये कलम दीजिए और आप वहां जाइए। फिर आप जाके खड़े होइए और देखिएगा स्क्रीन पर आपका शब्द है सुलगना, और आपका समय शुरू होता है अब। गन्ना, गन्ना, गन्ना नहीं, लगना, लगना, लग, सूल, लगन, सूल, गुना, गुना, नाल, नाल, चलिए बहुत समय है अभी। नाग, लगा, सुना, लगा, जोर से बोलो, लगा, जोर से बोलो, सुना, चलिए आपका समय खत्म हो गया। अब हम देखते हैं, लाइए मुझे कलम दीजिए, अब देखते हैं क्या सही है इनका। सुल सही है? नहीं। लगन सही है? लगना सही है, लगन सही है, सुना सही है, गुना सही है, नाल सही है, नल सही है, नाग सही है, नग सही है, सुना, ये फिर से हो गया, दोबारा हो गया, और ये लगा, ये सही है, बहुत अच्छे, 9, इसका मतलब 90 अंक हो गए। अब यहाँ से कौन जाएगा लक्ष्मी देवी? मीना। और आपका शब्द है फिसलना, और आपका वक्त शुरू होता है अब। फिलना, सलना, सलना,
नाला है ना, फीस लाना, फीस फिर लाना, लाना 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 लाना, अच्छा वो तो हो गया, चलो फिसाना, नास फूल, फूल फूल लिखो, चलो मीना आप वापस आओ जल्दी जल्दी, फिसाद बस 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 बस, आपका समय खत्म होता है, आप वहीं रहिए, आप वहीं रहिए, आप रहिए वहां, अच्छा लाना सही है, सन, चलिए फिस, फिस क्या होता है, ये क्या है, ये भी कुछ नहीं है, और ये क्या है, मैं आपको और नहीं दे सकती, मैं आपको सिर्फ लाना और सन दे सकती हूँ, दो सही दे सकती हूँ, आपके हो गए 20 अंक। अब खेल के अंत में देखते हैं क्या हिसाब हुआ है, तीसरी जगह पर है पश्चिमी जिला की टीम 150 नंबर पे, दूसरे नंबर पे है डीएसएलपी दिल्ली की टीम 160 नंबर पे, और आज के विजेता है उत्तरी पूर्वी जिला दिल्ली की टीम 230 अंक के साथ। अब आइए 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 आइए, ऊपर खड़े हो जाइए, मेरे साथ खड़े हो जाइए, जो है वो अक्षर है इस खेल में भी और हमारी जिंदगी में भी, और हमारे आज के खिलाड़ियों ने ये साबित कर दिया है कि अक्षर इनकी जिंदगी में क्या महत्व लगता है। हम इस टीम को दोबारा न्योता देंगे एक और खेलने खेलने का, लेकिन अगले हफ्ते के मिलने के वायदे के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा, लेकिन एक वायदा आपको भी करना होगा कि जो रोशनी अक्षरों की ने आपकी जिंदगी में दी है उसको आप आगे बढ़ाएंगे, यानी दीप से दीप जलाएंगे और मेरे साथ गाएंगे। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। ख ख ख ग को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ आ ई ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो, ख ख ग ग को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ आ ई ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों।